ଭାରତୀୟ ହକିର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହକି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହକିର କ୍ରେଜ୍ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ହକି ପଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିଥାଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ହକିର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଶ୍ ରୋଚକ ରହିଥାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଜେଶ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। କ୍ୟା କହିନା ଚାହେଁଗେ ହମ ଲୋକ ଜବ ମ୍ୟାଚ ଦେଖ ରହେ ଥେ ଏକ ହି ବାତ ସୁନନେ କୁ ମିଲତା ଥା ଶ୍ରୀଜେଶ 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 କ୍ୟା କହିନା ଚାହେଁଗେ। ବହୁତ ଖୁସି ହେ କି ହମ ଲୋକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡଲ ଲେକେ ୱାପସ ଆୟେ ଔର ମେରା ଆଖିରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥା ତୋ ମେ ସୋଚ अच्छे तरीके से खेलना है और भगवान की दया से हम लोगों ने अच्छा खेला है। पहले श्रीजेश आज गोलकीपर, अभी आज मतलब कोच, कैसा चैलेंज रहेगा? अभी भी प्लेयर ही हूँ, अभी ज्वाइन करने के बाद कोच बनता है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ज्वाइन करने में। बट जो चीज मैंने सीखा है वो बच्चे लोगों को सिखाना है तो उसी के लिए अभी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अमित रोहिदास के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? हम लोग देखते हैं दोनों का अच्छा तालमेल है। जब भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता है मतलब ऑपोजिट टीम को, आप लोग बहुत मतलब बचाव करते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन आप लोग? देख, अमित एक ट्रस्टवर्थी डिफेंडर है। पेनल्टी कॉर्नर में आपको पता है कि उसको डर नहीं लगता है, वो हमेशा बॉल के सीधा भाग लेता है, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा क्वालिटी एक प्लेयर का। और जिस टाइम अमित को शायद रेड कार्ड मिलने के बाद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था जर्मनी के साथ भी, बट फिलहाल आई थिंक जो आगे आने वाला गोलकीपर लोग के लिए भी उसने उतना मेहनत से उतना ही हार्ड वर्किंग करेगा और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पेनाल्टी कॉर्नर रोकेगा। ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है आपके कैरियर में? तो मेरे लिए तो लास्ट ओलंपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि 41 ईयर्स के बाद हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है। बट इस बार भी मजा उतना ही आया क्योंकि हम लोग एक हिस्ट्री को मेंटेन किया। ओडिशा एंड उड़ीसा के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब इधर आते हैं आप लोगों को ग्रैंड वेलकम मिलता है, आप भी बोल चुके हैं पहले से उड़ीसा आपका सेकंड होम है। देख, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना प्यार करते हैं लोग, इतना सपोर्ट करते हैं और हॉकी जानते हैं सब लोग, तो हमेशा इधर आके ये ग्राउंड में खेलने में बहुत मजा आता है। थैंक यू। जो भी शुणुले जो भी श्रीजेश को प्रतिक्रिया आलोचना करवा सहित जो भी भाव आम आलोचना करूँ विशेषकर हकीर जात्रा को लेकिन अन्न्य प्रसंग में आम सहित आलोचना करूँ एवं विशेषकर गोटे कथा कहते बर्तमान तो से हकीर सन्यास नहीं सत कितु आगक जहाँ रोल रमीक शुणा मिलू जुव जो दल रही सहित ग्रास रुट्रु डेभलपमेंटर काम करने को सुजोग दिजा आशा करवा जो ভাবে সে দ ওয়াল বলে আমি তাঁকু কই থাও এবং প্রতিপক্ষ দল যেতবেলে বি পেনাল্টি কর্নর কিংবা কহু কিংবা গোল নেই কি আসতাও সে যোভলি ভাবে সেটাকু তাঁকর নাকাম করে দিয়ন্তি আমি আশা করিবা শ্রীজেশ যেতবেলে ভারতীয় যুব টিমর কোচ হেবে সেইভলি অনেক তারকাঙ্কু সৃষ্টি করিবে যো মানে কি আগামী দিনরে ভারতীয় দল পাই শ্রীজেশ হেই পারিবে, হরমনপ্রীত সিং হেই পারিবে, অমিত রোহিদাস হেই পারিবে। ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পারসন উমেশ কস সুশান্ত সাং রিপোর্ট আরগাস নিউজ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।